Hey, good morning everyone. It's day 3 in Havelock. इसका नाम अब सौराजदीप हो गया है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग मॉर्निंग में निकल रहे हैं, अराउंड 8:30 हो गए। हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट आइलैंड, जो काफ़ी पॉपुलर है अपनी कोरल्स वगैरह के लिए एंड एक्टिविटीज़ के लिए। दो तरीके हैं एलिफेंट बीच जाने के। फर्स्ट इज़ यहाँ पे जो जेटी है, वहाँ से बोट लेनी पड़ेगी और वो अराउंड 20-25 मिनट्स लगाती है। और दूसरा तरीका है कि ट्रैक करके जाओ। राधानगर बीच की तरफ जो रास्ता निकलता है, अब उसमें ही हम लोगों ने कल जाते हुए देखा था कि एलिफेंट बीच के लिए एक कट है, वहाँ पर काफ़ी स्कूटी रुकी हुई थी और वहाँ पर प्रॉपर बोर्ड लगे हुए हैं कि एलिफेंट बीच के लिए ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा जंगलों वाला रास्ता है, बट मेरे ख्याल से आपको आते आते लोग मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग एक गाइड हायर कर लेंगे जो अराउंड 400 to 500 रुपीज़ लेता है। स्टिल चीपर देन बोट। बस बोट में ये होता है कि 950 में आपको स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, बट मेरे को लगता है कि वो काफ़ी महंगा है स्टिल। चलो चलते हैं गाइस एलिफेंट बीच के लिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है बीच बीच में मैं शेयर कर दूँगा। तो गाइज़ यहाँ से एलिफेंट बीच के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और पीछे देखोगे तो ग्रीन कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है, वे टू एलिफेंट बीच। 1.8 किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल से 1.8 किलोमीटर अप्रॉक्स 2 किलोमीटर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए ट्रैकिंग में। एक्चुअली ट्रैकिंग नहीं है, बस जंगलों वाला रास्ता है, ट्रेल बनी होगी। बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। ट्रैक स्टार्ट हो गए। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। बीच के लिए ट्रैक ओपन होता है, वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो पूरा जंगल है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जो लास्ट टाइम है एंट्री का वो है 1 बजे। 1 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप 1 बजे से पहले एलिफेंट बीच के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो। ध्यान रखना 8 to 1। और एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है वो 9 AM से स्टार्ट होती है एलिफेंट बीच पे। ये दो रास्ते बोर्ड भी लगा देंगे, साइन बोर्ड यहाँ पूछ लेते हैं। एक हट सी मिली है, यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि एक्चुअली कहाँ के लिए रास्ता। ये एलिफेंट बीच के लिए कहाँ से ऊपर ऊपर चढ़ते जाना है? आगे कोई है ऐसे रास्ते जहाँ पे 2 रास्ते कटेंगे? ऊपर ही जाना है। ऊपर ही जाना, ठीक है। तो हम लोग गलत चले गए थे, इस हट की तरफ नहीं जाना। तो हम लोग देखो सामने से आए थे यहाँ से, और यहाँ पे आके हमें 2 रास्ते मिले। एक लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है जिस तरफ दीपा जा रही है, एंड एक राइट हैंड साइड को जा रहा है वो जो आगे चल के एक हट आती है। तो हट की तरफ नहीं आना, हमें जाना ऊपर की तरफ। यहाँ पे यार इतने टूरिस्ट आते हैं तो कुछ साइन बोर्ड लगा देते तो थोड़ा बेटर हो जाता सबके लिए पहुँचने के लिए। एक्चुअली आज एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए लोग थोड़ा कम जा रहे हैं इधर उधर, अदरवाइज यहाँ पे आते जाते हुए हमें लोग मिल जाते हैं। ये वाला सीधा ना? ओके, तो एक भाई ने बताया कि सीधे यहाँ से निकलना है और आगे चल के 2 रास्ते आएंगे, तो किसी से भी निकल सकते हो, सीधे बीच में पहुँच जाएंगे। एक छिपकलियाँ, चलो चलो चलो, कुछ नहीं है, जंगली हैं, कुछ नहीं करेंगे, बट फिर भी छूना मत। पेड़ की हाइट देखी गाइस, और तेरी। इस पेड़ का नाम भी गर्जन है। हेलो, ये नाम बता दो भाई अपने। अमन सैयद। और तुम्हारा? मोहित। मोहित, दोस्तों दोनों? यस। अच्छा भाई भाई हो। सो गाइस क्विक अपडेट, यहाँ पे मैं अभी ड्रोन उड़ा था इस जंगल वाले एरिया में, और तभी लोकल्स आए कुछ 1-2, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप ड्रोन मत उड़ाओ, क्योंकि और मुझे एक जगह नहीं कई जगह लोगों ने बोला है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं ड्रोन के लिए, अगर पुलिस देखती है तो आपको पकड़ लेगी। तो गाइस बहुत ध्यान से उड़ाना, बिल्कुल भी 1% भी चांस अगर आपको लगता है कि आस पास सिक्योरिटीज़ या पुलिस वाले हैं तो बिल्कुल भी ड्रोन ना उड़ाएँ। आप लोग आ रहे हो क्या वहाँ से? कितना दूर? अभी तो आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा। वैसे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है। ऐसे ट्रैक है जैसे पीछे देख रहे हो आप, नॉर्मल। कहीं कहीं थोड़ी सी चढ़ाई है और मैंने यहाँ पे काफ़ी ओल्ड एज लोग भी देखे जो सेल्फ जा रहे हैं विदाउट गाइड। तो ओल्ड एज वाले भी बंदे भी यहाँ पे आराम से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्त यह है कि बस वो चल सकते हो अगर वॉक करने में प्रॉब्लम है फिर तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। आप ये वाला ट्रैक लो आप, तब तो बेटर है कि आप बोट से आओ। प्रॉपर जंगलों वाला रास्ता है, एकदम पेड़ों से खचाखच भरा हुआ, स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ, वो एकदम वाइल्ड लाइफ वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे ट्रैक करके, जो मुझे लगता नहीं कि अगर बोट से जाओगे आप तो आपको फीलिंग आएगी। और टाइम भी उतने ऑलमोस्ट लगता है, पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। पैसे बचाओ यार, 950 रुपये पर हेड कह रहे हैं तो 1900 रुपये हो गए दो बंद हो गए, और टाइम वही 20-25 मिनट लगता है क्योंकि वो उस तरफ से घुमा के लाते हैं गोविंद नगर के पास जो जेटी है। ओके गाइस, वी आर एट एलिफेंट बीच और यहाँ से ट्रैकिंग खत्म हो जाती है। अब बिल्कुल प्लेन एरिया है और आई थिंक सामने की तरफ से ये Look at this guys, कैमरे के पीछे क्या चीज़ है। ओह पानी, वो भी एकदम नीला यार, क्या देख रहे हो कितना क्लियर वाटर है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्राउड रहता है क्योंकि आज पूजा थी यहाँ पे और सब लोगों ने फुल डे ऑफ लिया हुआ है तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, एक्टिविटी नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी बोट नहीं आई। जो एलिफेंट बीच है अब कोरल्स के लिए बहुत फेमस, सबसे ज़्यादा अगर जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे वो एलिफेंट बीच पे होते हैं। और हाँ ये बंद इसलिए क्योंकि अभी मैंने कंफर्म किया कि यहाँ पे हर साल 4 मार्च को पूजा की जाती है जिसमें जो जेटी वाला एरिया है जहाँ से बोट्स यहाँ पर आती हैं वो बंद रहता है, वहाँ पे जेटी वाले लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे एलिफेंट बीच पे यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह कराते हैं लोग। ध्यान रखना गाइस, अगर आप 4 मार्च के आसपास आ रहे हो हैवलॉक या अंडमान तो उसके हिसाब से अपनी आइटनरी बना के रखना क्योंकि 4 मार्च को आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो। तो गाइस हम भी पूजा का पार्ट बनने चाह रहे हैं, उसके लिए जाएंगे। ओह एलिफेंट, नाइस। यही है वो एक एलिफेंट। पीछे मत जाओ, नजदीक मत जाओ, पीछे हो जाओ। पूरा खतरनाक है। ये एक एलिफेंट है वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है वही है। भाई पीछे हो जाओ, इसकी चेन बहुत लंबी है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये कितनी दूर तक जाएगा अभी? ये रास्ते में बाहर निकलेगा, आपका किस्मत अच्छा दिख गया आपको। अच्छा, तो और ये एक ही है यहाँ पे अभी फिलहाल, एक ही है। तो आज ऐसे छोड़ देंगे इसको तो फिर ये वापस नहीं आ जाए? छोड़ नहीं देते, चेन दिख रहे हैं ना। अच्छा, इससे बांध के रखते हैं पैर में, पंजाब बेरी जाम। चलो एलिफेंट देखने को मिल गया यहाँ पे। सो आई होप गाइस आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। ड्रोन शॉट अच्छे लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ज़्यादा देर वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। जब मेरे को बीच से एग्जिट लेना था, जस्ट एग्जिट लेने से पहले मैंने ड्रोन उड़ाया, शॉट ली है, फटाफट ड्रोन पैक किया। गाइस हम लोग पहुंच गए एलिफेंट बीच के एग्जिट पे, वहीं की हमारी स्कूटी खड़ी होगी। सो हमारा प्लान कुछ गोविंद नगर बीच जाने का है और उसके लिए मैं ले रहा हूँ स्नॉर्कलिंग माउस। आई होप यहाँ पे रेंट पे मिल जाए। स्नॉर्कलिंग माउस तो मैंने ले लिया है, थोड़ा गंदा सा लग रहा है, धूल वूल जमी हुई है, बट ठीक है, किसी से काम चलाना पड़ेगा। वो ये बताता हूँ, स्नॉर्कलिंग मास्क जो मैंने लिया 200 फॉर 24 आवर्स, 1000 रुपीज़ की वो सिक्योरिटी जमा करते हैं। नेक्स्ट डे जब देने जाओगे तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी वापस। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं गोविंद नगर बीच, जो हमारे जस्ट रिजॉर्ट से पीछे ये 2 मिनट्स की वॉक पे है। इतने बीच देख लिया आपको, सबका पानी मुझे सेम ही लग रहा है। स्विमिंग करने के सबसे बेस्ट राधानगर है। मतलब चक्कर क्या है कि वो पूरा सैंड बीच है और बाकी कई जगह पे ना वो पत्थर वाले कोरल्स वाले बीच है, उसमें पाँव लगता है तो थोड़ा दुखता है। मेरा घुटना छिल गया था नॉर्थ बे में क्योंकि कोरल वाला बीच है। सो गाइस ये रहा गोविंद नगर बीच। अलग ही लेवल की ज़िंदगी में चल के लोगों ने यहाँ पे दारू पी के। दारू पी के किसी ने बोतल फेंकी, अब किसी के पाँव में लग जाएगा, ये क्या होगा? तो किसी के पाँव में ना लग जाए बोतल, बेटर कि मैं उसको साइड में डाल दूँ। सो गाइस इसी के साथ हमारा 3rd डे खत्म होता है हैवलॉक में। तुम्हें कुछ ऐड करना है? मतलब कुछ टिप आज की क्या टिप देना चाहती हो हमारे व्यूअर्स को? मैं ये टिप देना चाहती हूँ वही उसके सी वॉक के लिए, मतलब पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड ड्रोन शॉट ट्रस्ट भी मैंने इतने मुश्किल से निकाले ना कि मतलब छुप छुप के, एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जा रही थी उस टाइम पे कि यहाँ पे अब ड्रोन से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और इस जो मैंने मेहनत करी है गाइस उसको प्लीज़ वेस्ट मत होने देना। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।